हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईच एंड एवरी के कंसेप्ट, उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है और कब इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। स्पॉटिंग एरर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहती हूँ, तो वो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ईच एंड एवरी। ये जो वर्ड है ईच और एवरी, दोनों ही एक सिंगुलर वर्ड है, तो हम पहले ईच को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एवरी पे जाएंगे। तो ईच का यूज दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी और पॉजिटिव केस जो है वो भी सिंगुलर ही यूज होगा, राइट? ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, मतलब किसी ग्रुप में इंडिविजुअली हर एक पर्सन के या हर एक ऑब्जेक्ट के एक्शन की बात करना, इंडिविजुअली हर एक के सेपरेट एक्शन की बात करना, राइट? ईच का यूज हमेशा डेफिनेट नंबर के लिए होता है, जैसा कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ क्वेश्चन पेपर, मीन्स हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दिया गया। तो हम यहाँ हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ ईच का यूज किया है। ईच गर्ल लॉस्ट हर पेन, प्रत्येक लड़की ने अपना पेन खो दिया। क्योंकि ईच एक सिंगुलर वर्ड है, इसके लिए हम इसमें हमेशा वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं और पॉजिटिव केस भी सिंगुलर यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर का यूज हुआ है। टू गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, ईच गर्ल इज गिविंग हर बेस्ट। दो लड़कियाँ डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और हर एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि यहाँ दो लड़कियों की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ ईच का यूज करेंगे। जब ईच के बाद ऑफ और फिर कोई नाउन आए, तो वो हमेशा नाउन प्लूरल में होता है। जैसे कि एग्जांपल सेकंड का ए, ईच ऑफ द बॉयज वाज मेकिंग नॉइज, तो ईच के बाद ऑफ आया है, इसीलिए बॉयज जो है वो प्लूरल है, लेकिन इसमें वर्ब या फिर जो पॉजिटिव केस होगा यूज, वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन प्लूरल होगा। जैसे ही लर्नड ईच ऑफ द सेंटेंसेज ऑफ हिज बुक, ईच के बाद ऑफ आया है, तो इसीलिए सेंटेंसेज है, राइट? ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज बेस्ट, यहाँ पे देखो वर्ब और पॉजिटिव केस, इज और हिज दोनों ही सिंगुलर यूज किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन प्लूरल होता है, ये आपको याद रखना है। एरर डिटेक्शन में इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर टीचर्स आएगा तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ आर और देयर का यूज करेंगे, वर्ब और पॉजिटिव केस वो दोनों ही हमेशा सिंगुलर रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एवरी। एवरी का मीनिंग भी हर एक होता है, लेकिन इस ये जो है ये इनडेफिनिट नंबर के लिए यूज होता है। जब किसी एक्शन के बारे में हमें ग्रुप में बात करनी हो, तब हम एवरी का यूज करते हैं। इसके जब हम इसे यूज करते हैं, तो सेंटेंस में कुछ नियरली, ऑलमोस्ट इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसका सेंस कुछ इस तरह का ही आता है कि उसमें ऑलमोस्ट, नियरली, मतलब लगभग हर एक की बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, एवरी मैन हैज अ जीमेल अकाउंट इन द सिटी, शहर में हर व्यक्ति के पास जीमेल अकाउंट है, राइट? क्योंकि यहाँ सिटी में कितने मैन है उसका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, ऑब्वियसली दो से ज्यादा है, तो यहाँ हमने एवरी का यूज किया है। जब भी हम किसी लार्ज नंबर की बात करते हैं, तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एवरी का यूज करेंगे, राइट? सेकंड एग्जांपल ऐसे ही, एवरी कैंडिडेट गॉट हिज सर्टिफिकेट, हर एक कैंडिडेट को उसका सर्टिफिकेट मिला, राइट? यहाँ भी एक बहुत ही ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ एवरी का यूज किया है। और इसके बाद भी नाउन और वर्ब और पॉजिटिव केस सभी सिंगुलर होंगे, क्योंकि एवरी भी एक सिंगुलर वर्ड है। थर्ड ऐसे ही, श्याम बायस फ्रूट्स एवरी मंडे, अब श्याम हर मंडे फ्रूट्स खरीदता है। यहाँ पे हमने एवरी का यूज क्यों किया, क्योंकि जब कोई काम कितनी बार होता है, मंथ में, वीक में, ईयर में, तो उसके लिए हम हमेशा एवरी का ही यूज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बुक्स वगैरह में, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसी तरह से यूज होता है। तो जब किसी काम की हमें फ्रिक्वेंसी बतानी हो कि वो कितनी बार उस काम को किया जा रहा है, तो ऐसे में हम एवरी का यूज करते हैं, राइट? फोर्थ एग्जाम्पल में बिल्कुल सेम ऐसे ही, वी पे द बिल ऑफ न्यूज़पेपर एवरी मंथ, कितनी बार हम न्यूज़पेपर का बिल पे कर रहे हैं, हर मंथ कर रहे हैं, तो इसीलिए बिल पे करने का जो एक्शन है वो हर मंथ हो रहा है,
एवरी मंथ हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एवरी का यूज़ हुआ है। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, टू फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, सो टीचर पनिश्ड एवरी फ्रेंड। दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं तो टीचर ने हर एक पनिश किया, तो यहाँ पे क्योंकि टू फ्रेंड्स हैं, और एवरी जो है यूज किसके लिए होता है, मोर देन टू, तो यहाँ पे ईच का यूज होगा, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज एवरी प्लस में ऑफ प्लूरल नाउन, तो इस तरह का जो है फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, एवरी के साथ ऑफ कभी यूज नहीं होता है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। एरर डिटेक्शन में ये बहुत पूछे जाते हैं, सो आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ईच का ही फॉर्मेशन ऑफ के साथ होता है, क्योंकि ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, राइट? ईच के जस्ट बाद नाउन आता है तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और जब इसके बाद ऑफ आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ ऑफ का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।